नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेलवे ओएचसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई राइज ओएचसी के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा हाई राइज ओएचसी का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप पोर्टल की और मास्ट की लेंथ से आइडिया लगा सकते हैं कि 9.5 मीटर से लंबे हैं ये। इसमें जो मास्ट यूज़ कर रहे हैं वो 11.40 मीटर का है। या फाउंडेशन देख रहे हैं, फाउंडेशन भी इसमें सिलेंड्रिकल टाइप की हो रही हैं, बोले तो डबल स्क्रोल लगा के बोल सकते हो आप इसको। एक अंदर स्क्रोल लगाया, एक बाहर स्क्रोल लगा के। ये इसका एंकर के लिए लगा रखा है ड्रॉप मास्ट। ये डीएम की जो हाइट है वो भी लंबी है, 6 मीटर के अप्रोक्स है। एग्जैक्ट हाइट मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि कितनी हाइट का होता है, कितना उसका वेट होता है। ये आर टाइप सेंटर पीस है और एंड पीस हमारे। ये काम अभी इसमें पीवे और अपना सब कुछ चल रहा है। ये हमें उसमें पोर्टल की फाउंडेशन है और जो अपना बी सीरीज मास्ट है ये अपना 225 है। जो इसकी फाउंडेशन है वो अपने पोर्टल की फाउंडेशन से थोड़ी छोटी है, लेकिन जो हमारा ये 225 वाला मास्ट है, जो इसकी डायमेंशन देखेंगे वो हम जो नॉर्मल हमारे जो ओएचसी हाई राइज नहीं होती उसे थोड़ा अलग है। इसकी डायमेंशन के बारे में भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, हाई राइज जो ओएचसी होती है उसमें किस तरह के ब्रैकेट लगते हैं, उनकी क्या फिटिंग्स होती हैं, अगर हमारे मास्ट का या पोर्टल के जो हमारे एसपीएस हैं वो उनमें क्या चेंजेस आता है, सब कुछ आपको पता लगेगा। ये मैंने आपको बताया, ये एंकर हो रखा है। जो ड्रॉप मास्ट है वो भी जो हमारी नॉर्मल ओएचसी होती है उसमें 4.75 मीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे 6.12 मीटर का है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।